आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गए। सभी बच्चे लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग श्रद्धा, गीतू, सीता, योगेश, सुषमा, सुप्रिया, प्रज्ञा, पंकज, सीमा, मुरली, सुशीला, आदर्श, शीला, आरती, सरिता, वंदना, सोनू, सीता जी बिल्कुल। सीता, अप्रैल में है चांसेस पेपर होने के। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। एंड आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आज लेट हो गए। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। बच्चों पहला प्रश्न है, गर्भाशय के वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या यूज किया जाता है? यूट्रस, यूरेटर, वेजाइना या वल्वा? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, यूट्रस। बच्चों गर्भाशय एक थैली जैसी रचना होती है, इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसकी मांसपेशियां लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे, वेदी जी प्रश्न था ये, उसी का इंग्लिश पूछा गया था बस। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई जेनेटिक्स यूनिट को कहते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक? वेरी जी प्रश्न बच्चों, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक? राइट आंसर जाएगा टू का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, जीन कहते हैं बच्चों। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मस्तिष्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। विचार करेंगे निम्न कथनों पर, अगर मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम दर्द, ठंड, गर्म आदि को पहचानने तथा भूख, प्यास, घृणा इत्यादि का केंद्र होता है, सेरेबेलम का मुख्य शरीर कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तथा मस्तिष्क एवं मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है, निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बच्चों एक बार क्वालिटी चेंज कर लें, सही हो जाएगा, क्लियर है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा छोटा है इस वजह से ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ऑप्शन को देन नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर करें, मतलब ऑप्शंस का देखें बच्चों। अब दिख रहा होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थ्री का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। दो और तीन यानी सेरेब्रम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना होता है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तथा मस्तिष्क एवं मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करती है, निम्न कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत आंतरिक किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? 50 क्वेश्चन है सीधा, ऐसा करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, सोडियम। ठीक है, सोडियम तत्व मानव आहार के रूप में कोशिकीय सक्रियता को नियंत्रित करने और बनाए रखने के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने में होता है सहायक। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है कितना बच्चों? वेरी इजी प्रश्न,
सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। वन पॉइंट सिक्स फोर, वन पॉइंट थ्री सिक्स, वन पॉइंट फोर सिक्स या वन पॉइंट थ्री सॉरी वन पॉइंट सिक्स थ्री। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फाइव का ऑप्शन बी, 1.36 बच्चों 1.36 औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.36। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला अवलागटा या पोन्स? राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, मेडुला अवला गटा बच्चों, मेडुला अवला गटा इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चों निगलने व उगलने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे सॉरी बच्चों 40 प्रश्न है, तीव्र रोध गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या होता है? यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन में दर्द की दवा का विकल्प क्या है बच्चों? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दर्द की दवा का क्या विकल्प है? पैथेडीन, डाइड्राक्लोराइड, डाइक्लोफेनिक सोडियम, कोडीन सल्फेट या मॉर्फिन सल्फेट? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेवन का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट बच्चों मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि तीव्र रोध गलन में दर्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव शरीर में लॉन्गहोर्न्स के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लॉन्गहोर्न्स के आइलेट यानी पेशंजे कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्राशय, पेट या दिल में? काफी बच्चों का आज नीट नहीं चल रहा है, हमारा नीट बिगड़ता है तो सिर खाने लगते हैं, खुद का नीट बिगड़ता है फिर नहीं बताते, तो खुश होकर बताएंगे सर मेरा नीट नहीं चल रहा है, मेरा नीट खत्म हो गया है, कोई अवार्ड मिलने वाला है इनको, हमारा खत्म हो जाएगा तो पूरा चढ़ जाते हैं मेरे ऊपर, सर आप ये कर रहे हैं सर वो हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखेंगे, इससे पहले इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय, पैनक्रियाज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट? नाइन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट, मस्तिष्क। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क, जिससे मनुष्य की अस्मरण क्षमता छीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्य में 48 से 65 वर्ष के बाद देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? वेरी इजी प्रश्न, रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है बच्चों? एक्चुअली कल हम लाइव आने वाले थे, देखो पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ एक तबला वादक आए थे, तो हम सोचे कि लाइव आके 5 बजे आप सबको थोड़ा सॉन्ग सुनाएंगे, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वो जो तबला ले आए थे वो सही नहीं था, वो सही बज नहीं पा रहा था, तो इस वजह से हम 5 बजे वाला कैंसिल किए। फिर हम सोचे 8 बजे 9 बजे आएंगे, जब केक कटेगा तब आप सबके सामने, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि केक काटते काटते 11:30-12 बज गए। जी पूजा, खा रहे थे डेयरी मिल्क थोड़ा सा था वो खा रहे थे, भूख सी लग रही थी। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, विटामिन के, विटामिन के, वेरी इजी प्रश्न, हलवा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? नहीं सीता बिल्कुल, हम कैसे नाराज होंगे आप सबसे, ओके आरती,
ओके संगीता, राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, एड्स, एड्स इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, विषाणु जनित रोग होता है, कौन सा विषाणु इसमें कारगर होता है, आंसर करें बच्चों। जी बच्चों, हैं हमारे दोस्त तबला भी बजाते हैं, सारे म्यूजिशियन हमारे दोस्त हैं, कई सारे हैं। शरीर में निम्न में से कौन से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमें बचाता है, रक्षा करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उसे विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं व विषाणुओं अथवा कवकों इत्यादि को खा जाती हैं, जिससे हमें शरीर को सुरक्षा प्रदान होता है। मानव रक्त की क्षयता का कारण क्या है, ऐसे कर मशू, मानव रक्त की क्षयता का कारण क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन के कारण ही बच्चों रक्त जो है वो श्यानता दिखाई उसमें देता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है, किसे छोड़कर बच्चों, ये सीता है सेकेंड क्लास में है, ऐसा करें बच्चों तुरंत। केवल एक ही स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, प्लेसेंटा एंक्रीटा, प्लेसेंटा एंक्रीटा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, प्लेसेंटा एंक्रीटा गर्भावस्था की वह अवस्था है जिसमें रक्त वाहिनियां और प्लेसेंटा का अन्य भाग गर्भाशय की दीवार में अत्यंत वृद्धि कर जाते हैं, जिससे प्रसव के उपरांत प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से अलग होने में दिक्कत होती है और अधिक रक्तस्राव भी बच्चों होने लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्रसव के दौरान आपात स्थिति में कौन सा एचआईवी परीक्षण किया जाता है, वेरी इजी प्रश्न बच्चों, हलवा वाला, और बिना देर के इसका आंसर बताएं बच्चों। 50 का ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट। मुझे पता है काफी बच्चे लगाए हैं एलिसा, जो बिल्कुल गलत है, यानी ए इज द राइट हो जाएगा। यदि एचआईवी का पहले परीक्षण न हुआ है तो प्रसव के दौरान एचआईवी के लिए की जाने वाली जांच है सिंगल रैपिड टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रसव के दौरान नवजात को एचआईवी के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसका कारक है, क्या कारक है बच्चों, समय से पहले जन्म और कम वजन, मल्टीपल बर्थ में पहला बच्चा, अल्टर्ड त्वचा इंटीग्रिटी या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, एचआईवी वायरस से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र है बच्चों वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ही प्रभावित हो जाता है। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रीमियोस का प्रभाव है, पॉलीहाइड्रीमियोस का प्रभाव क्या है बच्चों, गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाना, मॉल प्रेजेंटेशन करना, प्रसव के बाद रक्षा या ये सभी, ऑल ऑफ द एवब। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ द एवब बच्चों, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है, भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों की सूजन, झिल्ली का सबसे समय लंबे समय से टूटना तथा प्रोलॉग लेबर, ऑप्शन सी कुसमयता और IUGR या ऑप्शन डी, ये सभी। और आप तो बहुत होनहार हैं, आपको पता ही है कि ऑल ऑफ द एवब हो जाए, ये सभी हो जाएगा बच्चों, ये सभी के सभी बच्चों राइट ऑप्शंस हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है बच्चों, वेरी इजी प्रश्न, गलत मेडिसिन दे दिया जाए, सॉरी रुधिर दे दिया जाए तो
तो क्या परिणाम होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है। पूजा, हमारे यहां कोई डॉगी नहीं है और ना ही डॉगी बच्चों हमें पालने का शौक है। तिली और लिम्फो नोड्स में विकृति आ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द वेरी राइट बच्चों। तिली और लिम्फो नोड्स में विकृति आ जाती है, यानी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। महिला को जब उल्टी दिन भर जारी रहती है तब उसका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? मॉर्निंग सिकनेस, मितली उल्टी यानी नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरमेसिस, ग्रेविडेरम या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरमेसिस रेवी ड्रेमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, 190 दिन। मनुष्य की लाल रक्त या लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल बच्चों 120 दिन होता है बच्चों। अब WBC की आप बताएंगे बच्चों, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न। जब गर्भ में थोड़ी खलबली है, आंख बंद है, झिल्ली बरकरार है और गर्भ स्थित है तो उसे कहते हैं? जब घर में थोड़ी खलबली है, आंख बंद है, झिल्ली बरकरार है और गर्भ स्थित है तो उसे कहते हैं? चिकित्सकीय गर्भपात, त्रिदंड गर्भपात, ब्लड मोल या कानियस मोल। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन डी, त्रिदंड गर्भपात। बच्चों जब गर्भवती महिला के गर्भधारण के 20 सप्ताह के अंदर योनि से रक्त का स्राव होने के कारण गर्भपात हो जाए तो उसे थीटंड गर्भपात बच्चों कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी तरीकों का इस्तेमाल सिफेलो पैल्विक असमानता का निर्धारण करने के लिए करते हैं? किस एक को छोड़कर बच्चों? चेसर मोट्स विधि, मून रोकेर की विधि, बायां हाथ का पकड़ या लेटरल टटोलने का कार्य। बच्चों एग्जाम अप्रैल में, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा यानी नेक्स्ट मंथ में। राइट आंसर जाएगा 23 का ऑप्शन डी, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में शिशु का सर या शरीर का भाग सामान्य से बड़ा हो जाता है जिस कारण वह माता के पेल्विस में ठीक से नहीं बैठ पाता। इसका निर्धारण करने के लिए चेसर मोस विधि, मुनरो केर की विधि, बायां हाथ की पकड़ आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लैटरल टटोलने का कार्य बच्चों नहीं शामिल है इसमें। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं? किसे छोड़कर बच्चों? गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, गर्भाशय तरीकों के लिए छोटा होना, योनि से भरा रक्षा या अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण के दिल की धड़कन सुनना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण के दिल की धड़कन सुनना बच्चों। ठीक है, बाकी सभी बच्चों भ्रूण की मौत के लक्षण को दर्शाते हैं यानी ए बी और सी। झूठी व फैंटम गर्भावस्था क्या है बच्चों? झूठी व फैंटम गर्भावस्था क्या है?
एस्ट्रॉय गर्भतीयरम, स्यूडो साइसिस ग्रेविडा या नली पैरा। मोस्ट पॉसिबिलिटी है बच्चों ऑफलाइन एग्जाम होगा। 18 से जाएगा 25 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। स्यूडो साइसिस झूठी व फैंटम गर्भावस्था बच्चों स्यूडो साइसिस कहलाती है बच्चों, ठीक है। मानव प्रजात में जब कोई स्त्री गर्भावस्था की लक्षणों को महसूस करती है परंतु चिकित्सकीय जांच या अवस्था सत्य नहीं होता है तो इसे स्यूडोसाइसिस कहा जाता है। भ्रूण की पहली मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्विकनिंग, फीटल मूवमेंट्स, गर्भाशय सुफले या मूत्राशय चिड़चिड़ापन। आंसर करें बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट क्विकनिंग बच्चों, ठीक है। क्विकनिंग भ्रूण में पल रहे शिशु की पहली जो है वो हलचल होती है या हलचल गर्भ धारण करने से 16 से 20 सप्ताह के मध्य बच्चों सुना जा सकता है और यह सबसे पहले बच्चों माँ को सुनाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। प्रसव के दौरान वेनिलॉल परीक्षण करते समय सूचर यानी टाका प्रस्तुतिकरण तथा स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रत्येक उपयोगी लैंडमार्क्स बनाता है। सर्जिकल सूचर, दो पैराइटल अस्थि के बीच अस्थिपीटल तथा पैराइटल अस्थि को अलग करना, एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल को क्रॉस करता हुआ पैराइटल तथा फ्रंटल अस्थि के बीच रन करता है, फ्रंटल अस्थि को आधा आधा करता है। और 27 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, फ्रंटल अस्थि को आधा आधा करता है। सर्जिकल सूचर्स चिकित्सा विज्ञान में दो भागों को जोड़कर मिलने का काम आता है या फ्रंटल अस्थि को आधा आधा करता है। सर्जिकल सूचर्स अन्य की अपेक्षा जल्दी घुल मिल जाता है बच्चों, घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्ट टिश्यू से बनती है उसके ऊपर गैलेटिनस पदार्थ को उसे क्या कहते हैं? गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिवी टिश्यू से बनती है उसके ऊपर गैलेटिनस पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? गैलेटिनस पदार्थ को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं बच्चों? हार्टन, जेली, एमनियोन, कोरियोन या वेलामेंटस प्रविष्टि। राइट आंसर हो जाएगा 28 का बच्चों ऑप्शन ए, हार्टन जेली, बट हार्टन जेली इज अ राइट आंसर। गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है उसे उसके ऊपर जो जिलेटिनस पदार्थ होता है उसे हार्टन जेली कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? वेरी इजी प्रश्न, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? वेरी इजी प्रश्न। 50 से 60 बार प्रति मिनट, 70 से 80 बार, 70 से 80 बार प्रति घंटा, 70 से 80 बार प्रति सेकंड, 70 से 80 बार प्रति मिनट। वेरी इजी प्रश्न, आप तो बहुत इजीली इसको आप कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि दो ऑप्शन तो वेरी रॉन्ग है, आसपास भी नहीं है, घंटा और सेकंड तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। 70 से 80 बार प्रति मिनट बच्चों हृदय की धड़कन होती है, आमूमन तो हम बच्चों 72 कहते हैं। पैल्विक आउट लेट का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है? ओके दीपा पढ़ जाएगा, पीडीएफ तो हर रोज डाल देते हैं बच्चों। ओके सोनी,
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। एंटीरियर पोस्टीरियर, जब निचली श्रेणी की बाहरी सतह यानी परिधि में अनियमितता आ जाती है तो उसे पैल्विक आउटलेट कहते हैं। पैल्विक आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर एंटीरियर यूबिक आर्च और पोस्टीरियर कॉक्सिन होता है। और स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है बच्चों? और स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है? ट्यूबल एम्पुला, ट्यूबल इंसमंस, अंडाशय या सर्वाइकल? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, ट्यूबल एम्पुला, ट्यूबल एम्पुला इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मानव रुधिर का पीएच, ये तो बहुत इजी है बच्चों। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4 बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, 7.4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है बच्चों क्षारीय होती है। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है यानी संचारण होता है बच्चों रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, उत्तक के द्वारा, अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है बच्चों? यानी पहले कहां से निकलता है और कहां को जाता है, आपको क्रम बताना है। 1 2 3 3 1 2, 2 1 3 या 1 3 2? राइट आंसर हो जाएगा 33 का बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, 2 1 3 यानी फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा और थर्ड पे होगा उत्तक के द्वारा बच्चों, सही क्रम। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक मरीज ओपीडी में पहली बार पेट दर्द, एमनोरिया व योनि से खून बहने की हिस्ट्री बताती है जिसका कारण निम्नलिखित हो सकता है, गर्भपात, मोलर गर्भावस्था, अस्थानिक गर्भावस्था या ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, ये सभी यानी गर्भपात, मूलद गर्भावस्था और अस्थानिक गर्भावस्था, तीनों के तीनों बच्चों इसके रीजन हो सकते हैं। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है, मसालेदार और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में छोटे अक्सर भोजन कम लें, नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट लें या हर दिन वमन रोधी दवाएं लें, एंटीबायोटिक। आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट लेना बच्चों सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। बच्चों में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा, जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है? बच्चों में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा होता है और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया नामक रोग हो जाता है बच्चों? ठोस आहार का परिचय, फ्लैट व्यापक, यू स्टैचियन ट्यूब, इमेचर कार्डियक स्पिक्टर, दूध देते समय बच्चों को उच्च फॉलर स्थिति में रखना, कौन सा कारक है बच्चों जो बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, फ्लैट व्यापक, यू स्टैचियन ट्यूबों का प्रयोग करना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द वेरी राइट। आप एक शिशु में जो इंट इस सेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाए जाते हैं
या पाएंगे बच्चों, आप एक शिशु में इंट एसेसेप्शन से ग्रसित है, क्या लक्षण आप उसमें पाएंगे? प्रोजेक्टाइल उल्टी लेकिन कोई पित्त नहीं, रिबन की तरह मल, उदर फैलावट और मल पीला पानी की तरह, गंभीर कोलिकी पेट दर्द व दाई तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। पर सोनी याद तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि 15-20 दिन में एक बार आप रिवीजन करते रहें। बच्चों किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का एकमात्र तरीका है रिवीजन। रिवीजन के अलावा बच्चों कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो चीजों को लंबे समय तक आपको याद रखने में मदद करे, और ना ही ऐसी कोई दवा आती है बच्चों जो घोल के पिलाया जाए। तो आपका रिवीजन बच्चों करना ही होगा। 19 से जाएगा 37 का ऑप्शन डी। गंभीर कोलिकी पेट दर्द व दाई तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार का होना बच्चों, ठीक है, ये लक्षण आप पाएंगे। सबसे अधिक पहचाना वायरल रोगजनक जिसे दस्त होता है, सबसे अधिक पहचाना वायरल मतलब कॉमन वायरल बच्चों, सबसे ज्यादा कॉमन वायरल रोगजनक जिसे सबसे ज्यादा दस्त होता है, जियार्डिया, रोटा वायरस, साल्मोनेला या शिगिला। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। बच्चों पूरे चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है वो एग्जाम में कंडक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी डेट आ जाएगी बच्चों, बहुत जल्दी डेट आने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है, रोटा वायरस है इसका आंसर। तो आप सबने बिल्कुल सही दिया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, उपकंठ या क्रूप। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, क्रूप। जब किसी बच्चे को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ भौंकने वाली खांसी भी आ रही है तो उसे क्रूप नामक रोग की सर्वाधिक संभावना होती है बच्चों, ठीक है। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, किस आकलन की खोज से पता चलता है कि नवजात में एस्पाइना वाइफिडा ऑकल्ट मौजूद है? एस्पाइना वाइफिडा एक जन्मजात दोष होता है बच्चों, रोग होता है, किस आकलन से पता चलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। नितंबों की जुदाई, ऊपर नोटिफिशियल डिंपलिंग। स्पाइना बाइफिटा एक जनजात दोष है, इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं बच्चों। इसके चारों तरफ रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से बंद नहीं होती है, इसमें नीचे या ऊपर की स्थिति पर एक उभार आ जाता है, यह उभार त्वचा से ढका रहता है या फोलिक एसिड की कमी के कारण से बच्चों होता है। तो ऑप्शन सी इज द बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।